अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो अभी बज चुके हैं तकरीबन शाम के 4 बज चुके हैं। तो अभी मैं छत पे आया हूँ, तो काफी ज्यादा जो आज सर्दी बढ़ गई है। आज मेरा 4 बजे ब्लॉग शुरू करने का मकसद ये था कि मेरा तो आज जब से मैंने ब्लॉगिंग कम की ना, तो मेरा घर दिल्ली नहीं लग रहा और जो मेरी प्रैक्टिस है बोलने की वो भी कम हो रही है। तो ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल बनाने का मकसद जो था, अपनी बोलने की सलाहियत है वो ठीक करनी। तो अगर मैं ये ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा तो मुझे जो ये बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, खास तौर पे उर्दू पे, तो वो मेरी ठीक नहीं होगी। तो मैंने कहा कि ब्लॉगिंग जारी रखते हैं, क्योंकि अपने लिए बना रहा हूँ, अपने शो के लिए बना रहा हूँ, तो ब्लॉगिंग करते रहेंगे। तो अभी इतनी ज्यादा सर्दी बढ़ गई है, 2 दिन से सर्दी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ये डबल जैकेट पहन के, नीचे जर्सी पहन के भी सर्दी नहीं रुक रही, तो काफी ज्यादा सर्दी होगी। तो मैंने कैप भी पहन ली है, तो बहुत सर्दी हुई है। मेरी उर्दू में गलतियां लोग निकालते हैं, क्या करूं। असल में मेरी जो है घर में प्रैक्टिस है वो पंजाबी की है। मेरे दोस्त है वो पंजाबी है, मैं स्कूल जाता रहा हूँ पंजाबी बोलता रहा हूँ, कॉलेज जाता रहा हूँ पंजाबी बोलता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी गया हूँ वहां पे भी जो दोस्त मिले हैं तो पंजाबी हम आपस में बोलते थे। तो इस वजह से मेरी जो पंजाबी में प्रैक्टिस जो बहुत ज्यादा है, तो उर्दू में मेरी है ही नहीं है। तो जिसकी वजह से मेरी उर्दू थोड़ी सी कि बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा, तो जिसकी वजह से अभी मैं बोलने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है मुझे। तो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते रहेंगे और ये अपनी उर्दू ठीक करेंगे। यहाँ पे जो ये टायर पड़े हैं गाड़ी के, तो ये 2 टायर पड़े हैं, तो यहाँ से आपको नजर आ रही होंगी तारे वगैरह निकली हुई। तो ये एक साइड से घिस गई है दोनों टायर, ये ज्यादा घिसा है, ये थोड़ा सा घिसा था। तो फिर हमने ये टायर भी चेंज करवाए गाड़ी के, और गाड़ी के जो तो होते हैं चिमटे वो भी चेंज करवाए। तो ये जो 2 टायर थे मैंने संभाल के रख लिए, तो मैंने सेल नहीं किया। मैंने सोचा था, मैंने कहा मेरी एक्सरसाइज में काम आएंगे, या मैं इसका कोई टेबल या स्टूल वगैरह बनाऊंगा बैठने के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने नीचे रखे थे तो अम्मी ने के अब्बू ने उठा के दोबारा ऊपर रख दिए, तो दोबारा गंदे हो रहे हैं। अगर आपको मेरी व्लॉगिंग जो है वो बोरिंग लगती है, तो मैं तो आपको नहीं कहूंगा कि आप जरूरी देखें मेरे व्लॉग्स, क्योंकि मैंने तो अपनी उर्दू ठीक करने के लिए ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है और मेरा शौक है। तो अभी मैं इस शौक को जारी रख रहे हैं, क्योंकि मेरा जो दिल ही नहीं लग रहा था, जिस 4-5 दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया, तो मैं समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, कौन सा काम करूं। और व्लॉगिंग का शौक है मुझे तो काफी ज्यादा शौक है, क्योंकि मैंने 128 वीडियोस बनाई हैं। तो जब मैं देखता हूं तो मुझे मजा आता है देखने का, तो मैंने कहा व्लॉगिंग करते रहते हैं, ये कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा वो वाला हिसाब है। तो मैंने कहा अपने व्लॉग जो हैं वो बनाते रहते हैं, यादें वो इकट्ठी होती रहती हैं। तो अब मैं जब देखता हूँ अपने ये उस्कर्दू के व्लॉग्स, तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरा दोबारा से दिल कर रहा है दोबारा बाइक निकाल लाऊं और दोबारा कहीं पे टूर करूं। तो अभी घर वालों को मनाना सबसे बड़ा टास्क होगा, और देखते हैं अभी जेब जो हमारी पॉकेट मनी है वो इतनी ज़्यादा है नहीं कि हम टूर्स वगैरह लगा सकें। तो अब इस तरह ही व्लॉग्स जो है वो आते रहेंगे घर में। आज जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है तो बाइक निकालने का भी नहीं दिल कर रहा, तो बाइक भी किसी दिन निकालेंगे भाई। एक तो पेट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया, तकरीबन 150 रुपये पे चला गया पेट्रोल। तो बाइक इस मंथ का जो मेरा कोटा था बाइक के पेट्रोल का, वो तो पूरा हो गया। तो और मैं जो पैसे हैं वो नहीं लगा सकता, इसलिए मैं अभी अपनी जो बाइक है वो खड़ी की हुई है। तो सर्दियाँ काफ़ी है, तो रोज़ाना इसकी बैटरी ड्रेन हुई रहती है, तो बैटरी भी चेंज करवाने वाली है। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, तो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर लेंगे। अब लोग देख रहे होंगे कि मैं कितनी ऊँची जगह पर आके बैठ, तो मेरे पीछे से ये सारी समुद्री जो है वो नजर आती है दूर दूर तक, तो काफी दूर दूर तक ये कह लें कि सारी समुद्री यहाँ से नजर आती है। तो अभी तो घर काफी ज्यादा ऊंचे ऊंचे बन गए हैं यहाँ पे, पहले होते नहीं थे, तो पहले खास सारा ही नजर आता था। अब यहाँ पे ये वाला घर भी बन गया, तो ये रोक देता आगे तो देख रहे थे, बाकी यहाँ से वो तक दूर दूर तक नजर आता है। आज वैसे धुंध की वजह से ना थोड़ा सा धुंधलापन है, तो नीचे उतर जाते हैं। अब जो मैं व्लॉग किया करूंगा तो वो वही व्लॉग होंगे जो मैं बनाया करूंगा, जो मैं रोजाना के काम करूंगा। अगर किसी को पसंद आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा बनाता रहूंगा, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि जो व्लॉग्स है ना, जो भी मैं करूंगा वो मैं व्लॉगिंग में डाला करूंगा। बाइक राइड करूंगा तो वो भी डालूंगा, जो भी काम करूंगा वो मैं डाला करूंगा। तो अभी देखते हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ कि नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं व्लॉग या एक दिन के बाद डालूं या रोजाना डालूं, कोई भी व्लॉग हो तो मैं लाजमी करूंगा। तो आज का जो व्लॉग है, मेरी पूरी कोशिश है कि इतने से एरिए में अपना आज का व्लॉग जो है मैंने मुकम्मल करना है। अगर ये मैं कर सका तो समझ लें कि मैं व्लॉगिंग जो है वो सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह सीख जाऊँगा, क्योंकि जो मेरे कह लें कि अपॉर्चुनिटी ढूंढने मैं अब अपॉर्चुनिटी है वो तलाश कर रहा हूँ, कि मैं अकेला हूँ मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ।
तो इस तरह का मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट बनाने के लिए। तो मैंने बहुत से आइडियाज सोचे थे कि कोई जो कहते हैं टेक्निकल्स या कह लें कि जो होते हैं ना फनकारियाँ वगैरह करने की, तो वो तो काम नहीं हो रहा था मेरा जो है। तो मेरा ये वाला कंधा तो बिल्कुल थक चुका है, तो अब दूसरे हाथ पे मैंने मोबाइल पकड़ लिया तो एंगल थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है। तो आज मैं बता रहा था कि मेरा जो आज का व्लॉग है वो मैं इसी छत पे है वो कंप्लीट करूँगा, तो फुल कोशिश है फुल ऑन। तो पता नहीं आप ये मेरा पूरी वीडियोस मेरी आप देख रहे हैं कि नहीं, अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर वीडियो मैं अच्छी नहीं बना सकता, कोई वीडियोस होंगी ये बहुत अच्छी होंगी जो आप पसंद भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि आपने मेरी मुल्तान वाली बहुत ज़्यादा पसंद की है, आपने मेरी जो है ये वाली कह रहे हैं स्कर्दू वाली जो है आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है, आपने मेरे कुछ ऐसे बीच में व्लॉग्स हैं जो आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किए हैं। तो कुछ व्लॉग्स होते हैं कि जो लोगों को नहीं पसंद आते या इंटरेस्टिंग नहीं होते तो वो नहीं देखते, तो इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। फेल इस तरह से होते हैं कि व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन जो मेरे में मुझे वो एवरेज टाइम शो हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी डिमोटिवेशन तो होती है, लेकिन कोई नहीं, मैंने फिर अपने आप को ये समझाया कि अपनी उर्दू ठीक करनी है और बोलना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और ये भी कोशिश करनी है कि कंटेंट अगर है पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी ठीक है। तो अभी मेरे दोस्त का मैसेज आ गया तो मैं अभी वो पढ़ लूँ क्या कह रहा है। दोस्त का मैसेज आया था, तो हमारा यूनिवर्सिटी जाने का दोबारा से प्रोग्राम बन रहा है, क्योंकि डिग्री जिसके लिए हमने अप्लाई किया था तो वो अभी तक घर पहुँची नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम बना रहा है कि हम जाएँ यूनिवर्सिटी और वहाँ से जाके डिग्री रिसीव करें जाके अपनी खुद, तो यूनिवर्सिटी का चक्कर लग जाएगा। और जो दोस्त है रंधावा साहब वो जा रहे हैं कतर, अल्लाह करे वो जल्दी जल्दी से कतर जाए तो फिर उनसे भी मिल लेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्टैक्ट भी बन जाएगा। तो वो फिर करते करते तो ये अभी फिर दोबारा से मैसेज आ गया। अभी जो है हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, वो चलने लग पड़ी है, तो स्टार्ट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो मैं तो अभी जाने लगा हूँ नीचे, तो वो परिंदे भी अभी अपने घोंसलों पर जाएंगे, तो मैं भी जाके नीचे जाके बैठता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो है, तो इस तरह की वीडियो पता नहीं आपको लाइक पसंद होगी कि नहीं होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।